नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके अंदर पथरी है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कब आपको बर्बरिस वल्गरिस लेनी है और कब आपको होम्योपैथी की क्लियर स्टोन लेनी है। तो दोस्तों, आज के समय में पथरी की होने वाली समस्या काफ़ी लोगों के अंदर है। किसी के अंदर ज़्यादा पथरी होती हैं, किसी के अंदर कम पथरी हैं, किसी के साइज अलग हैं और किसी के साइज जो है छोटे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज में सभी लोगों के अंदर मोस्टली पथरी मिलेगी अगर उनका अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। तो पथरी निकालने के लिए होम्योपैथी में एक फेमस मेडिसन है जिसका नाम बर्बरिस वल्गरिस है और ये पत्थर चटा से बनी हुई एक मेडिसन है जिसको होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और काफ़ी लोगों को भी इसके बारे में पता है। लेकिन डिटेल में आपको उसकी बताता हूँ कि आपको कब बर्बरिस वल्गरिस लेनी है और कब जो है आपको क्लियर स्टोन ड्रॉप लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लियर स्टोन ड्रॉप क्या है। तो क्लियर स्टोन ड्रॉप एक जो है होम्योपैथी की मेडिसन है जो कि SBL कंपनी की बनी हुई है और इसके अंदर जो मेडिसन हैं उनमें हैं बर्बरिस वल्गरिस, सार्स परिला, ओसिमम कैन, सोलिडोगो, परीरिया ब्रेवा एंड सेनिशोरिस। ये सारी जो मेडिसन है ये सारी मदर टिंचर फॉर्म में है, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में मेडिसन है। अब आते हैं कि इसको कब यूज़ करना है आपने। अगर आपके अंदर पथरी हो गई है तो अगर आपके दोनों गुर्दों में पथरी आ रही है, लेफ्ट में भी आ रही है, राइट में भी आ रही है, यहाँ पे हम अभी उसका साइज का बात नहीं कर रहे हैं। साइज उसका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और केवल जो है टिनी क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपके दोनों साइड में आ रही है तब जाके आपको क्लियर स्टोन ड्रॉप यूज़ करनी है। और अगर आपको केवल जो है राइट साइड की गुर्दे में पथरी आ रही है तब भी आपको जो है क्लियर स्टोन ड्रॉप यूज़ करनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके जो है डोजेस कैसे ली जाती हैं। तो इसकी दोस्तों 15 से 20 बूंदें आधे कप पानी में लेनी है। दिन में 3 से 4 बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। तो सिंपली शॉर्ट में ये मैंने आपको बता दिया क्लियर स्टोन के बारे में। तो अगर आपके अंदर 3 mm से लेके 7-8 mm तक की पथरी है तो आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ करें, अगर वह राइट साइड में है या फिर आपके जो है बोथ किडनीज में है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की पत्थर चटा से बनी हुई मेडिसिन बर्बरिस वल्गरिस के बारे में, जो कि होम्योपैथी में काफ़ी फेमस मेडिसिन है। और इसका जो इस्तेमाल करना है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ वाला पेन होता है जहाँ पे चुभन ज़्यादा हो रही है और किस तरफ है लेफ़्ट साइड के गुर्दे में पथरी मिल रही है, तब जाके आपने बर्बरिस वल्गरिस का यूज़ करना है। क्योंकि बर्बरिस वल्गरिस का मोस्टली जो यूज़ है 90% उसमें देखा जाता है कि लेफ़्ट साइड की ही पथरी उसके अंदर होती है। सिम्टम्स उसके बहुत सारे होते हैं, पेन के सिम्टम्स मोस्टली होते हैं जो कि चलने फिरने से बढ़ते हैं और स्टिंगिंग वाला उसके अंदर पेन होता है, चुभन चुभन वाला, और पेशाब में भी कई बार परेशानी होती है। तो कुल मिला के लेफ्ट साइड में अगर पथरी है तो आपको बर्बरिस वल्गरिस यूज़ करनी है, राइट साइड में या फिर बोथ साइड है तो आपको क्लियर स्टोन ड्रॉप यूज़ करनी है। बर्बरिस वल्गरिस जो आपने लेनी है इसकी भी आपने 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आपने इसको यूज़ करना है। अब बात आती है कि आपको दोनों मेडिसिन कितने दिन यूज़ करनी है। तो आपने दोस्तों ये मेडिसिन यूज़ करनी है लगभग 1 से 2 महीने आपको यूज़ करनी है। बाकी डिपेंड करता है आपकी पथरी कितनी निकली है, आपके अंदर कितने सिम्टम्स हैं और कितनी बड़ी पथरी आपके अंदर है। तो ये दोनों मेडिसिन 1 से 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक कंडीशन आती है कि दोनों तरफ गुर्दे में पथरी है और जिनके साइज जो है काफ़ी बड़े हैं, 8-8, 10-10 mm की पथरी है, डॉक्टर ने जो है सर्जरी के लिए बोल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपने इसमें क्या करना है कि क्लियर स्टोन ड्रॉप के साथ साथ आपने एक आयुर्वेदिक सिरप लेना है जिसका नाम है नीरी। नीरी का नाम भी आपने सुना होगा, तो आपने नीरी सिरप का यूज़ करना है और इसको जो आपने 10-10 ml दिन में 3 बार यूज़ करना है, खाना खाने के बाद यूज़ करना है। तो अगर आपके अंदर ज़्यादा बड़ी पथरी है तो आपने क्लियर स्टोन प्लस नीरी सिरप आपने यूज़ करना है। दोनों मेडिसिन में आप आधे घंटे का गैप रखें और कोई भी इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खाने पीने में आप परहेज रखें, कोशिश करें हर 1 घंटे में आपको पानी पीना है। तो ये था दोस्तों शॉर्ट वीडियो, केवल जस्ट ये बताने के लिए आपको बर्बरिस वल्गरिस कब लेनी है, क्लियर स्टोन कब लेनी है और ज़्यादा बड़ी पथरी है तो आपको क्या मेडिसिन यूज़ करनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।